कि वैदिक संस्कृति में समय की गणना मन्वंतर के हिसाब से होती है, और प्रत्येक मन्वंतर में चार युग होते थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, और हर एक युग में भगवान का अवतार होता है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो ये कथा है द्वापर एंड त्रेता युग के मिक्सचर की। तो द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, और त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ था। तो जब भगवान द्वापर युग के अंदर कंस को मार करके देवकी जी को छुड़ाने के लिए गए, तो देवकी जी ने उनसे कहा, लल्ला तू तो भगवान का अवतार है, तूने हमें छुड़ाने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, पूरे 14 साल लगा दिए। तो कहते हैं मैया, ये पुरानी बात है, इससे बहुत पुराना रिश्ता है, त्रेता युग में मैं रामा अवतार था, तब उन्होंने बताते हैं त्रेता युग में आप कैकेयी मैया थी, आपने मेरे को 14 साल का वरदान दिया था और मुझे मातृत्व सुख से दूर रखा था, तो वो उसका, और इस अवतार इस युग में आप देवकी के रूप में आई हैं। उसी तरह यशोदा मैया का अवतार कौशल्या के रूप में था, और वात्सल्य रस का पूरा आस्वादन उन्होंने यशोदा मैया को दिया था। सो ये है रामायण की कि भगवान 14 को 14 साल भगवान राम को 14 साल का वनवास क्यों हुआ था। सो ये कहानी है त्रेतायन युग के, द्वापर युग की। इसी तरह एक कहानी आती है हनुमान जी की। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने को गए, तो पहले हनुमान जी और बाद में अंगद गए, तो अंगद पहले क्यों नहीं गए। तो इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार बाली और सुग्रीव दोनों सूर्य पुत्र थे, और बाली बहुत बलवान था, और उसको ये वरदान था कि जो उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी, तो कोई उसे युद्ध करने नहीं आता था। तो बाली सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, तो एक बार वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो अर्घ देते टाइम हाथ ऊपर करने पड़ते हैं दोनों, तो उसने दोनों हाथ करके अर्घ दे रहे थे। उस टाइम रावण पृथ्वी पर घूम रहा था, और घूमते घूमते देखा इतना बड़ा आदमी कौन है, तो मैं इसके निकलता हूँ, उसके हाथों के बगल से निकलने लगे, इतने बाली ने अपने हाथ नीचे कर लिए, हाथ कर लिए तो रावण उसके बगल में फंस गया। अब रावण फंस गया तो निकल नहीं पाया, कैसे निकले वहाँ से, तो उसने अपनी तलवार से उधर चुबाना शुरू किया, तो बाली ने देखा क्या हो रहा है, उसने निकाल के देखा कोई मच्छर सा एक आदमी है, उसने उसको पकड़ लिया और लेकर के आ गया और अपने घर महल में ले आया। महल में आने के बाद उस टाइम अंगद बहुत छोटे थे बचपन, तो उन्होंने उसके पालने से उसको बांध दिया, और पालने से बांधने के बाद और वो देखता रहा अंगद बच्चे, वो ये रावण वहीं खड़ा उसके पालने में ही रहा। जब एक बार अंगद ने अपने पाँव चलाया, छोटे थे ना उन्होंने पाँव चलाया, तो रावण को किक पड़ा जोर का, तो बोलने लगा कि अरे इतना बलवान बच्चा है। तो उसने जब उसने वाली ने उसको छोड़ दिया, तो वापस आकर उसने शिव जी की प्रार्थना करी कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इसको मार सके। तो उस टाइम अंगद जो पैदा हुआ था वो मेघनाथ हुआ था, और रावण का जो पुत्र हुआ था अक्षय कुमार हुआ था। तो जब हनुमान जी गए तो उन्होंने अक्षय कुमार को मारा पहले, अक्षय कुमार के मारने के बाद फिर बाली को अंगद गए थे रावण के दरबार में। तो इस तरह पहले हनुमान जी को जाने को मिला, और उसके पहले उसके बाद अंगद वहाँ गए। तो ये रामायण की जो कहानियाँ हैं जो जनरली पता नहीं है लोगों को। एनीवे थैंक यू, धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको।